तो दोस्तों, मुझे सैमसंग लेवल U2 यूज़ करते हुए हो चुके हैं कुछ हफ्ते या शायद एक महीने से ऊपर हो चुका है, तो आई थिंक आई एम नाउ क्वालिफाइड इनफ टू गिव यू अ डेफिनेटिव रिव्यू ऑफ द सैमसंग लेवल U2 ब्लूटूथ ईयरबड्स। तो ये सैमसंग के लेवल U2 है, इससे पहले लेवल U1 भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में भी कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बट दीज रिटेल फॉर अबाउट ₹2000 और उस प्राइस पॉइंट में क्या ये कोई सेंस बनते हैं इसके, आइए देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट इस रिव्यू को रखूँगा मैं, प्लस एंड नेगेटिव्स जो हैं इस वाले सैमसंग लेवल U2 ईयरबड्स के वो आपको बता दूंगा, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू वेदर दीज आर गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स और नॉट। सबसे पहला प्लस पॉइंट जो मुझे इसका लगता है वो है बिल्ड क्वालिटी और एर्गोनॉमिक्स। अब इसको अगर मैं पहन के आपको दिखाऊं तो बहुत ही कंफर्टेबल हैं और इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई है। दीज आर योर मैग्नेटिक ईयरबड्स, तो ये आपको खोने की भी कोई डर नहीं लगता कि अगर मैं इसको पहन के कहीं रन कर रहा हूँ या जॉग कर रहा हूँ या जिम में आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या एक फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट में है तो ये कहीं गिर जाएंगे, खो जाएंगे। ये दीज आर मैग्नेटाइज्ड ईयरबड्स और इसके मैग्नेट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगे हैं। बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड, यहाँ आपको थोड़ा सा थिक मिल जाता है और यहाँ आपको एक अच्छा सा जो है एक मोल्ड मिल जाता है, एक ट्विस्ट सा मिल जाता है जो कि लेवल U1 में मिसिंग था। लेवल U1 अगर आप देखेंगे तो वो सीधा था, इसमें आपको थोड़ा सा कर्व मिल जाता है विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग, इट ऑलमोस्ट एक्ट्स लाइक अ फैशन एक्सेसरी। तो मुझे तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स कंफर्ट लेवल जो है वो टॉप नॉच लगी है। ऑल्सो बिकॉज आई एम यूज टू सैमसंग लेवल U ईयरफोन्स, तो कहीं ना कहीं उससे भी फर्क पड़ा है। तो अगर आप यूज टू नहीं है तो थोड़ा सा टाइम आपको जरूर लगेगा यूज टू होने में, बट यू विल फील कि इसकी जो क्वालिटी है ओवरऑल वो बहुत ही बेहतरीन है। दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड रबर, मिक्स ऑफ मटेरियल्स हैं, तो ओवरऑल फील जो है वो अच्छी है। यहाँ पे साइड में आपको बटन्स मिल जाते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के, कॉल रिजेक्ट और आंसर करने के, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो वॉल्यूम अप डाउन करने के या नेक्स्ट ट्रैक में जाने का। और ये जो स्विच ऑफ स्विच ऑन का बटन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो अगर मैं U1 की बात करूँ, लेवल U1 की, तो यहाँ पे सैमसंग ने बटन दिया हुआ था वो हटा के अब सारे बटन जो है सैमसंग ने इसी साइड दे दिया है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसीजन बिकॉज सब बटन आपको यहीं पर आराम से मिल जाते हैं। ईयर टिप्स की बात करूँ तो ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं आपके ईयर्स में, 12mm के ड्राइवर्स हैं, जो कि कैसे हैं साउंड क्वालिटी में वो अभी आपको बताने वाला हूँ, बट दीज आर क्वाइट कंफर्टेबल। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये मीडियम साइज्ड ईयर टिप्स हैं जो कि मेरे कानों के लिए बेहतरीन है। इसमें आपको छोटा ईयरबड और बड़ा ईयरबड भी सैमसंग प्रोवाइड करता है, तो अकॉर्डिंग टू योर ईयर साइज आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से ईयरबड्स परफेक्टली फिट आते हैं, बिकॉज ईयरबड्स फिट होना कंफर्टेबली इज़ द बिगेस्ट डील। अगर ईयरबड्स आपको कंफर्टेबली फिट नहीं हो रहे हैं तो अनकंफर्टेबल तो होंगे ही, बट आपके ईयर टिप्स में जो है पेन हो जाता है ऑन अ लॉन्ग टर्म, वो मैंने महसूस जरूर किया है। ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स एंड बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच, 8.5 out of 10 फॉर मी व्हेन इट कम्स टू द एर्गोनॉमिक्स एंड बिल्ड क्वालिटी ऑफ द सैमसंग लेवल U2। दूसरा पॉइंट जो मुझे इसका अच्छा लगता है वो है कि इस जगह पे इसका एक वाइब्रेशन मोटर है। अब 2000 रुपीस के अंदर मुझे तो कोई भी ऐसा ईयरफोन्स याद नहीं है जिसमें वाइब्रेशन मोटर आता हो। क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ़ोन कहीं दूर रखा हुआ है एंड स्पेशली अगर आपका फ़ोन साइलेंट है और आपका कोई कॉल आए तो ये जो वाइब्रेशन मोटर है ये वाइब्रेट होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि आपका कॉल आ रहा है, एंड देन यू कैन ईजिली आंसर योर कॉल बाई प्रेसिंग दिस बटन, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड फीचर। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जब तक आप यूज़ नहीं करते हो ना इस चीज़ को तो आपको महसूस नहीं होता है, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट यू रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड फीचर जो कि काफ़ी ईयरफोन्स में मिसिंग है। तो लेवल यू को यूज़ करने का मेरा एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि एक वाइब्रेशन मोटर इसमें आपको मिल जाती है, बिकॉज मेरा फ़ोन कई बार दूसरे कमरे में रहता है या दूर रहता है तो मुझे एटलीस्ट पता चल जाता है कि हाँ मेरा कॉल आ रहा है, एंड देन आई कैन ईजिली आंसर और रिजेक्ट अ कॉल यूजिंग दीज बटन्स ऑन द साइड। तीसरा जो एक प्रो है, प्लस पॉइंट है, वो है कि इसमें IPX रेटिंग आपको सैमसंग दे देता है, विच मीन्स आप स्प्लैश प्रूफ है और कहीं ना कहीं वाटर रेजिस्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यू वेयर दीज एंड डाइव इनटू अ पूल, बट जनरली अगर आप बारिश में कहीं फंस गए हो या आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो, पसीने आपको आ रहे हैं गर्मी के मौसम में, तो आप इजिली सैमसंग लेवल U2 को यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। कहीं ना कहीं बारिशों में यूज़ ज़रूर मैंने किया हुआ है और मुझे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें महसूस नहीं हुई है, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग और थम्स अप फॉर सैमसंग लेवल U2 फॉर प्रोवाइडिंग अस विद IPX2 रेटिंग फॉर द सैमसंग लेवल U2।
एक और प्लस पॉइंट जो इसका ये है वो है इसकी बैटरी लाइफ। अब सैमसंग जो बोलता है वो तो अलग बात है, बट मैं आपको बताता हूँ कि एक चार्ज में मुझे 2 दिन की बैटरी लाइफ सैमसंग लेवल यू टू प्रोवाइड करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बिकॉज मैं म्यूजिक सुनता रहता हूँ हमेशा जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कम्यूट कर रहा हूँ। 2-2 घंटे मैंने कम्यूट किया है दिल्ली मेट्रो में, उसमें मैंने म्यूजिक सुना है, तो उसमें मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आई विल रन आउट ऑफ बैटरी लाइफ। तो मुझे सैमसंग लेवल यू टू को लेकर कभी भी चिंता नहीं होती है कि आई विल रन आउट ऑफ बैटरी लाइफ। 2 दिन मुझे कंटिन्यूसली बैटरी लाइफ इसकी मिल जाती है एक बार के चार्ज में, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर आप गाने सुने, अगर आप म्यूजिक सुने, कंटिन्यूसली बात करें फोन पे, तब की बात कर रहा हूं। अगर आप कम सुनते हैं गाने, अगर आप कम यूज करते हैं अपना लेवल यू2, तो शायद 2 दिन से भी ऊपर की बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी। तो बैटरी लाइफ के मामले में इट इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। इट गेट्स अ 9.5 आउट ऑफ 10 व्हेन इट कम्स टू द बैटरी लाइफ ऑफ द सैमसंग लेवल यू2। अब बिफोर आई डिस्कस अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स, आई विल कम टू द साउंड क्वालिटी ऑफ द लेवल यू2। वेल, ईयरबड्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। मैंने एक बार में इसको 2-2 घंटे के लिए पहना हुआ है, तो मुझे तो कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगे हैं। फोन कॉल्स की अगर मैं बात करूं तो दूसरी वाली पार्टी ने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया है। द फोन कॉल्स हैव बीन क्रिस्टल क्लियर और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी इसकी उनको लगी है, और मुझे भी आगे वाले पार्टी के साउंड सुनने में, वॉइस सुनने में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं। हाँ, म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो बेस में शायद थोड़ा सा लैकिंग है। द बेस ऑफ दीज कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। द बेस इज लैकिंग व्हेन इट कम्स टू द सैमसंग लेवल यू2, बट अदर देन दैट द फोन कॉल्स क्वालिटी हैज बीन गुड। म्यूजिक की क्वालिटी अच्छी है, बट बेस के अगर आप शौकीन हैं, अगर आप हार्ड कोर बेस आपको पसंद है, तो कहीं ना कहीं लेवल यू2 थोड़ा सा डिसअपॉइंट आपको जरूर करने वाला है, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी हैज बीन अनकॉम्प्रोमाइजिंगली गुड। नेगेटिव्स में आ जाते हैं। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे सैमसंग लेवल यू में या यू2 में भी लगा है, वो ये है कि देयर इज़ नो बैटरी लेवल इंडिकेटर एनीवेयर। या तो कोई ऐसा कोई लाइट सैमसंग दे दे, या कुछ छोटा सा कोई भी इंडिकेटर दे दे, वो इसमें लैकिंग है, तो आपको पता नहीं चलता है कि बैटरी आपकी कितनी बची है। ऑफकोर्स अगर आप कान में लगाया हुआ है आपने, तो एक टूंक टूंक करके एक टोन ज़रूर बचता है वंस द बैटरी इज़ क्रिटिकल। या आप फ़ोन के ब्लूटूथ वाला जो ये सेक्शन है उसमें आप देख सकते हो कि आपकी बैटरी कितनी बची हुई है, बट यहाँ पे कहीं पे या इतनी जो स्पेस सैमसंग ने दिया हुआ है, कहीं पे अगर एक बैटरी लेवल इंडिकेटर सैमसंग दे देता, आई थिंक दैट वुड हैव बीन गुड। तो बैटरी लेवल इंडिकेटर नहीं है, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट इन माई आईज। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, जैसा मैंने अभी अभी साउंड क्वालिटी के सेक्शन में डिस्कस किया है, वो है लैक ऑफ बेस। काफ़ी बेसी सॉन्ग्स में भी आपको बेस की कमी ज़रूर महसूस होने वाली है विद द सैमसंग लेवल यू2, बट मैं ऐसा इंसान हूँ जो बेस हैवी साउंड इतना पसंद नहीं करता है, सो फॉर मी इट वर्क्स रियली रियली नाइस। ऐसा नहीं है कि बेस बिल्कुल ही नहीं है, बट बेस की कमी ज़रूर आपको लगेगी अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं, अगर आप एक ऑडियो फाइल हैं तो। तीसरा पॉइंट है कि इसका जो लाउडनेस है, लेवल ऑफ लाउडनेस है, इवन एट 100% इज नॉट दैट लाउड। अब अगर आप लाउडनेस के शौकीन हैं, अगर आपको कान जो है फटने वाला लाउडनेस पसंद है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। एक लेवल तक लाउडनेस मिलती है, और क्वालिटी जो है वो क्लैरिटी जो है वो ज़रूर है, तो आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी में, क्लैरिटी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप म्यूज़िक सुनते हो या आप फोन कॉल्स में भी बात करते हो, उसके लिए लाउडनेस इज़ फैंटास्टिक। बट अगर आप ऐसे इंसान हो जो कि रियली लाउड म्यूज़िक या रियली लाउड मूवीज़ देखना या सुनना पसंद करता है, तो उसके लिए शायद सैमसंग लेवल यू2 नहीं है, बिकॉज आउटराइट लाउडनेस इसमें थोड़ी सी मिसिंग ज़रूर है। अब आ जाते हैं इसकी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन में। एट 2000 रुपीज, डज दीज मेक सेंस फॉर मी? दे डेफिनेटली डू, बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी एंड अर्गोनॉमिक्स। इट इज वेरी वेरी स्टाइलिश, द साउंड क्वालिटी इज गुड। दीज ईयरबर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ईयरबर्ड्स दैट आई हैव एवर यूज्ड, विच इज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। बटन्स आपको साइड में मिल जाते हैं विच आर वेरी इजी टू यूज, और आपको इसमें वाइब्रेशन मोटर मिल जाता है, जो कि शायद किसी और ईयरबड्स में, एटलीस्ट 2000 रुपीज़ के ईयरबड्स में तो मुझे याद नहीं है मैंने कहीं देखा हो। तो अगर आप इसको पहनोगे भी, काफ़ी देर तक भी पहन के रखोगे, दीज आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, और इसमें आपको मैग्नेटाइज्ड ईयर टिप्स मिल जाते हैं, जैसा मैंने कहा है दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर मैं ओवरऑल देखूँ, ऑफकोर्स ब्रांड वैल्यू भी मिल जाती है, सैमसंग के ब्रांडेड ये प्रोडक्ट है, तो 2000 रुपीज़ में अगर आप कोई भी अच्छे गुड क्वालिटी गुड बैटरी लाइफ ईयरबड्स ढूंढ रहे हो, तो सैमसंग लेवल यू ज़रूर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ईयरबड्स है जो आप देख सकते हो।
कोई भी सवाल आपको है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नीचे जरूर छोड़ दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर हाथ के हाथ दे दूं, सो दैट इफ यू आर इन द मार्केट एंड लुकिंग फॉर द सैमसंग लेवल यू टू या आपका बजट है 2000 रुपए के आसपास का तो आप जरूर लेवल यू टू को देखिएगा बिकॉज दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ईयरबड्स इन दैट प्राइस पॉइंट। तो मिलूंगा इसी के साथ एक और नए वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो यार, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, ऑटोमोटिव वीडियोस जरूर आगे जाके मिलते रहेंगे। मिलता हूं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। नमस्कार।